हाई स्टूडेंट्स सो वेलकम बैक टू आर सुपर क्विक रिविजन आज हम लोग चैप्टर नंबर टू जो है पूरा का पूरा खत्म कर देंगे ओके okay, तो चैप्टर नंबर टू के एंड में वी ऑलमोस्ट है बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ओके एंड वी आर बी डूइंग समरी ऑफ दैट अभी उससे पहले पिछले लेक्चर्स के ना हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट किए थे दट आई वुड लाइक टू बिवाइजिंग वो मैंने यहाँ पर वो लिखे भी हुए हैं वैसे भी कि बाई डिफॉल्ट कुछ भी ऑफर आया आपके पास ऑप्शन जो होता है यहाँ कंप्लीटली एक्सेप्ट करो या कंप्लीटली रिजेक्ट करो यू के नॉट पार्शली एक्सेप्ट एड ऑफर ओके अगर सपोज़ कोई एक ऑफ़र है जिसके नाम आपको दस हज़ार यूनिट सप्लाई करने का है आप ये नहीं बोल सकते मैं आठ हज़ार यूनिट ही सप्लाई करूंगा बाई डिफ़ॉल्ट एवरी ऑफर इज़ इनडिविजिबल लेकिन साथ में एक और रूल भी बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो आप लोग नॉर्मली बना के बेचते हो ठीक है सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल मैं ऐसा रिमोट्स बनाकर तो वो बेचता हूं ठीक है सपोज मेरा साल का प्रोडक्शन वन लाख यूनिट्स है आई कैन ऑलवेज डिसाइड टू नॉट प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ दिस दिस इज नॉट एन ऑफर ओके दिस इज माई रेगुलर प्रोडक्ट जो मैं मार्केट के ना वो बेचता हूँ आई कैन ऑलवेज डिसाइड टू कट डाउन माई प्रोडक्शन ओके ताकि आई कैन थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग सम पर्टिकुलर ऑफर इस चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो इस क्वेश्चन के ना कमेंट्स के तौर पर डूंग एज सच ठीक है अभी ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी था दैट वी ऑल है डन ओके ही एक सिमिलर क्वेश्चन मई 2018 के न्यू कोर्स के अंदर भी आया था यहां पे हमारा जो रेगुलर प्रोडक्ट है वो बॉटल्स था हम लोग साल का कुछ ना कुछ बॉटल्स वगैरह तो वो बनाते थे यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक लाइन वो लिखवाया था जो मैं समरी के ना बहुत ज़्यादा डिटेल के ना अप वो नहीं करने वाला हूँ ये फैक्ट्री हैज एट मशीन्स ये एट मशीन्स वाला डेटा तुम लोग यूज़ कर भी सकते हो इग्नोर भी कर सकते हो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा वो वाला जो लॉजिक है तुम लोग वो पढ़ लेना एग्जाम के ना सबसे बड़ी गलती लोगों की वो यही थी उन लोगों ने एट मशीन्स को यूज़ कर लिया था यूज़ करोगे तो यू यूज़ इट इन द वे जो आपके नोट के अंदर है इग्नोर करोगे तो देन इन दैट केस इग्नोर कर देना आंसर सब लोगों का सेम ही रहने वाला है है, तो यहाँ पर हमारा जो स्पीड है, फिर जो उनका इतना है और उसका जो सेलिंग प्राइस है, वो इतना है।, हमारा एक है। अभी एक आया हम लोग को टॉयज बनाने का फिफ्टी थाउजेंड टॉयज बनाने का उसका सेलिंग प्राइस सिक्स होगा उसका वेरिएबल कॉस्ट एट, 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 एट होगा अगर हम लोगों ने वाला ऑफर एक्सेप्ट किया हमको एक मोल्ड भी बनाना पड़ेगा जिसका बीस हजार रुपए का खर्चा होगा अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो मशीन है कैन प्रोड्यूस ट्वेंटी टॉयज पर आर ओके okay, ये हमारी मशीन्स का स्पीड होने वाला है हमारा पूरी कंपनी का जो कैपेसिटी है सारी की सारी मशीन्स मिलाकर टेन थाउजेंड आर्ट का है लास्टली अपना जो फिक्स कॉस्ट है टू लाख रुपीज है जो अपने को काम में नहीं आएगा क्योंकि ये वाला खर्चा पहले भी होता था अभी भी होगा ठीक है सबने अपने को शुरू में क्या बोला कि फाइनेंशियली डू यू एडवाइज द कंपनी इन दिस पर्टिकुलर केस शुड एक्सेप्ट ऑफर ऑफ टॉइस और नॉट कभी भी क्वेश्चन के ना कैपेसिटी दिया रहता है यू माइट हैव टू बी टॉकिंग ऑफ हैिटी कॉस्ट तो फर्स्ट केस के ना अपने को कुछ ऐसा बोला गया था कि प्रिज्यूम करना कि थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड बॉटल्स का डिमांड है इन द मार्केट तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था तो पता चला हमारा के लिए होने वाला था पास टू थाउजेंड फाइव्डिंग दी ऑफर तो यहाँ पे कुछ भी कुछ भी कुछ भी यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास एग्जैक्टली उतना स्पेयर आवर्स था ठीक है उसके बाद एक और चीज फिर मैंने एक नया पार्ट तो वो डाला था कि अगर फोर लाख बॉटल्स का डिमांड है तो फोर लाख डिवाइड बाई फिफ्टी एट थाउजेंड आर्स का तुम्हारा बॉटल्स का डिमांड था ठीक है तुम्हारा जो टोल कैपेसिटी था टेन थाउजेंड था तो तुम्हारे पास स्पेयर आवर्स कितने थे थाउजेंड लेकिन टॉयज वाला जो ऑफर है रिक्वायर्स टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहां पे पांच सौ घंटे जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा जिसके लिए मैंने कमेंट्स भी कुछ ना कुछ किया था अभी यहां पर ऑफर एक्सेप्ट हो गया था यहां पर भी ऑफर एक्सेप्ट हो गया था लेकिन ऑफर एक्सेप्ट हुआ था आफ्टर हैविंग एन अपर्च्युनिटी कॉस्ट इन रेफरेंस टू बॉटल्स ओके यहां पर कुछ ना कुछ बॉटल्स का प्रोडक्शन आप लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि टॉइस बन जाए ऐसे किसके अंदर तुम्हारा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है तुम लोग तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स को कुछ ना कुछ बॉटल्स नहीं बेच पाओगे दोज कस्टमर्स माइट गो अवे फॉर एवर दे माइट नॉट बी कमिंग बैक दैर इज अ वेरी ह्यूज ड्रॉबैक दो रिमेंबर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अव कस्टमर इज फार मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कीपिंग एन एक्जिस्टिंग कस्टमर ये वाला चीज मैंने तुम लोग को कमेंट्स के अंदर यहां पर बता दिया था ठीक है अब फ्रॉम दैट अगर फाइव लैक बॉटल का डिमांड होगा उसके लिए एक्टली टेन थाउजेंड आर्स ही लगेगा अपना कैपेसिटी भी टेन थाउजेंड तो स्पेयर आर्स यहां पर कितना है बेटा जीरो तो आप लोग का यहां पर ऑपरचुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गया था okay, तो अल्टीमेटली ऑफर वॉज रिजेक्टेड सो ये था तुम्हारा ये वाला पार्ट वन मैंने पार्ट वन के ना एक और सजेशन भी दिया था कि कंपनी कैन थिंक ऑफ आउटसोर्सिंग ईदर बॉटल्स और टॉयज ताकि उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए ओके okay. मतलब वो डायरेक्टली खरीद के भी आगे बेच सकता है देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू ऑल कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो अच्छा ये था तुम्हारा पार्ट वन वाला जो आंसर था पार्ट टू के अंदर ना कुछ ऐसा हुआ था हमारी कोई एक एसोसिएट कंपनी है उसके पास कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी है उस एसोसिएट कंपनी ने हम लोग को ऑफर दिया कि हम लोग ना तुम्हारे लिए टॉयज बनाने का ट्राई करेंगे ठीक है अभी उन लोगों ने अपने को जो कोटेशन दिया था नदर वॉस फाइव पॉइंट सिक्स टॉय मतलब अगर हम लोग बनाते हैं कॉस्ट विल बी फोर पॉइंट एट प्लस हमारा एक मोल्ड का खर्चा होगा अगर हम लोग ये कंपनी से खरीद लेते हैं तो हमारा 5.6 का खर्चा होगा लेकिन फिक्स कॉस्ट का खर्चा नहीं होगा तो हम लोग बनाते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम है लेकिन फिक्स कॉस्ट ज्यादा है खरीदते हैं तो रिवर्स है ऐसे केसेस के ना इंडिफरेंस पॉइंट आएगा इंडिफरेंस पॉइंट हम लोग ने वो मेरे ख्याल से वो पहले भी करके वो रखा हुआ है इंडिफरेंस पॉइंट इज एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर ऐसा करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टॉयज वॉज आर इंडिफरेंस पॉइंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टॉयज हमारा इंडिफरेंस पॉइंट था जिसको बनाने के लिए वन टू फाइव जीरो आवर्स की जरूरत पड़ेगी तो अपना पार्ट बी के अंदर पार्ट टू के अंदर एक्जैक्टली ये वाला चीज वो पूछा होता था कितने स्पेयर आर्ट हो ताकि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच सकते हो तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन कंक्लूजन अगर वन टू फाइव जीरो फिर टॉयज जो है या बना भी सकते हो या खरीद भी सकते हो ठीक है आप बना लो या आप खरीद लो ठीक है लेकिन याद रखना ऑफर जो है ना फिफ्टी थाउजेंड पॉइस का था उसके में ट्वेंटी फाइव के बारे में आप लोग जो मर्जी कर लो क्योंकि आपके पास पेर आर्स हैं बाकी ट्वेंटी फाइव तो आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास पेर आर्स नहीं है ठीक है अच्छा अगर वन टू फाइव जीरो आर्स से ज्यादा आपके पास स्पेयर हैं स्पेयर मतलब बॉर्डर्स बनाने के बाद जो आर्स बच जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग वो वाले आर्ट्स यूज करके मैन्युफैक्चर कर लेना जरा याद रखना अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा तुम्हारे पास यहाँ पे वो यूनिट्स या फिर आर्ट्स वगैरह होता है दैट ऑप्शन इज 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 बेटर बेटर एवर वेरिएबल कॉस्ट लोअर मतलब द मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन ठीक है तो 1, 2, 5, 0, से ज्यादा अगर तुम्हारे पास है तो आप लोग वो आर्स यूज करके आप लोग यहाँ पे टॉयज बना लो अगर उसके बाद कुछ भी कमी बच जाती है दोस्त यू कैन बी परचेसिंग फॉर द मार्केट और अगर लेस देन वन टू फाइव जीरो इन दैट केस इट इज बेटर टू बी परचेसिंग ठीक है अभी ये था तुम्हारा पार्ट वन एंड टू मेजरली ये वाले जो क्वेश्चन थे ना पार्ट वन और टू के बारे में ही थे मैं एक बार यहां पे जो शॉर्ट्स मैंने वो जो समरी मैंने बनाया वो तुम लोग को वो पढ़वा देता हूं बाई डिफॉल्ट एवरी ऑफर इज इनडिविजिबल बट वट एवर वी नॉर्मली प्रोड्यूस इज डिविजिबल कंपनी मेक्स अ रेगुलर प्रोडक्ट दैट इज बॉटल्स इट इज गॉट एन ऑफर फॉर टॉयज वन आर ऑफ बॉटल्स गिवज मोर कॉन्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू टॉयज हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर भी निकाला था बॉटल्स के ना कुछ थर्टी आया था टॉयस के लिए ट्वेंटी फोर आया था सो दे फोर बॉटल्स इज ऑब्वियसली अ मोर प्रोफिटेबल प्रोडक्ट एज कंपेयर टू टॉयस वेन एवर द बर्ड कपैसिटी इज गिवन वी मे हैव टू टॉक ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग ऑफ बॉटल्स टू एक्सेप्ट दफर फॉर टॉयज प्लीज टॉक ऑफ ऑपरचुनिटी कॉज जो हम लोगों ने किया लेकिन बाकी केसेस के अंदर हम लोगों ने जरूर बात किया था ठीक है आगे वेन कमेंट इज आस्ट इन पार्ट वन डू रिमेम्बरिंग बोटल टू मेक टॉयज माइट बी मोर प्रोफिटेबल बट वी माइट लूज आर रेगुलर कस्टमर्स ओके So it might not be good, but losing the regular customers might not be good. Customers lost ones will not come back. Keeping current customers is far less expensive as compared to acquiring the new customers. Okay, it is far less expensive. Okay. In part two, we were given an option to purchase toys from the market. Okay, actually, it's not from the market, from an associate company. We would like to manufacture if we have spare capacity. Our manufacturing variable cost is lower, but our fixed cost of mold is there. If we purchase, there is no fixed cost, but our variable cost is higher. In such cases, indifference point will be there, which comes to 25,000 units. Actually, it's 25,000 toys okay? or one two five zero spare hours. If we have higher idle hours in this, manufacturing is a better option as compared to purchasing. Okay? This is part two of the question. Tha. Part three was actually simple. Okay, mein uske mein zyada I will not like to be saying also. पार्ट थ्री के अंदर ना कुछ ऐसा हुआ था अभी ध्या, ध्यान से सुनना सर आप सुन। के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि ना यहां पर अपने को शुरू में लगा था कि ना अपने पास फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड बॉटल्स का डिमांड आएगा तो फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड बॉटल्स का डिमांड आएगा उसके लिए कुछ 8,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड आर्स वगैरह वो लगता है ठीक है तो अपने पास 1,600 हंड्रेड आवर्स बच जाते हैं हम लोगों ने सोचा 1,600 इज मोर देन तो चलो हम लोग यहाँ पेड्रेड आवर्स यूज करके 32,000 जो टॉयज है वो बना लेते हैं बाकी 18,000 जो है दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल बी परचेजिंग फॉर द मार्केट सिक्स हंड्रेड आर्स मोर देन वन टू फाइव जीरो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो हम लोगों ने ये करके अपना प्रॉफिट वगैरह वो निकाल लिया बाद में पता चला कि डिमांड ऑफ द बॉटल्स ना वॉज एक्चुअली फोर लैस फिफ्टी लेकिन तुम लोगों ने फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड के हिसाब से प्लानिंग करके रखा हुआ है तो अभी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड वाला काम हो ही नहीं पाएगा लेकिन अगर लाख लाख वाला होता तो तो uh, बॉटल्स बनाने के लिए 9, जाते तो बच कितने स्पेयर लैख्टी था बोटल इज लोअर देन वन टू फाइव जीरो सो दे फोर यहां पर uh, वो वन थाउजेंड आर्स आप लोग स्पेयर ही रखते और आप सारा का सारा जो टॉयज है आप लोग मार्केट से खरीदते इन दैट केस योर प्रॉफिट विल बी हायर ओके हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉफिट निकाला सेकंड प्रॉफिट निकाला सामने बस अपने को क्या बोल दिया व्हाट वाज योर लॉस इन द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन तो हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस निकाल के यहां पे जो आंसर है वो दिया ठीक है वही तुम्हारा यहाँ पर पार्ट थ्री के अंदर काम था इधर ओके okay. तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ uh, ये समरी के अंदर इन पार्ट थ्री सम हैड हैपेंड

उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट दिस इज वन ऑफ एज आई टोल्ड इन क्लास ऑल्सो वन ऑफ माई हॉट फेवरेट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट जो अपना है दिस इज फ्रेंचाइजी सेंटर्स वर्सेस ओन सेंटर्स यहाँ पे क्या है कोई ये कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह तो वो बनाती है वो लोग मैन्युफैक्चरिंग तो हमेशा ही करेंगे लेकिन उसका आफ्टर सेल सर्विस का जो काम है ना ओके दैट पर्टिकुलर वर्क इज डन बाय सम बाई सब कॉन्ट्रैक्टर्स ठीक है अभी कंपनी क्या सोच रहा है कि ना ये वाला काम खुद ब खुद करने का ट्राई करेगा ओके okay? और उन लोगों ने यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है जहां पर बोलो काम खुद ब खुद वो करने वाला है इस क्वेश्चन के एक और चीज फर्स्ट सिक्स मंथ्स वाला जो काम है फर्स्ट सिक्स मंथ्स वाला जो काम है फर्स्ट सिक्स मंथ्स का ना कंपनी क्या करता है हर एक कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको सिक्स मंथ्स का गारंटी देता है सिक्स मंथ्स के अंदर अगर कुछ भी होएगा तो कस्टमर विल गेट द सर्विसिंग फ्री ओनली ये वाली चीजों को अंजाम देने के लिए कंपनी क्या करता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स को 3.5 परसेंट वो देता है जो इस पैराग्राफ के अंदर था और उन लोगों ने ये वाला चीज भी यहां पर वो लिख दिया अगर कंपनी खुद ब खुद भी ये वाला काम करेगा ना तकरीबन अपना भी खर्चा उतना ही होने वाला है तो दिस इज नॉट दैट एरिया इन विच वी वुड लाइक टू तो बी एक्सपेरिमेंटिंग तो ये वाला जो पैराग्राफ था पूरे क्वेश्चन के अंदर यूजलेस था ठीक है दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली ऑल अबाउट वर्ट दिस इज ऑल अबाउट कि खुद के सेंटर होने चाहिए कि अपने को यहाँ पे काम जो है लोगों को अलॉट कर कर देना चाहिए इट इज समथिंग लाइक फ्रेंचाइजिंग ठीक है तो हम लोग पहले फ्रेंचाइजिंग करते थे बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर थिंकिंग टू बी हैविंग आर ओन सेंटर्स ओवर ठीक अभी जब फ्रेंचाइजिंग करते थे तो अपने को रॉयल्टी इनकम आता था जो रॉयल्टी इनकम है उसका यहां को ब्रेकअप दिया हुआ है इन ऑल दैट पर्टिकुलर फिगर सिक्सटी सिक्स थाउजेंड अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं इन दिस केस ना ये वाला जो काम है हम लोग थोड़ा सा काम ओके okay, खुद ब खुद वो करेगा अगर खुद ब खुद करेगा तो याद रखना रॉयल्टी के बदले में ये तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा देर बी रेवन्यू दिल बी कॉस्ट द डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट तो तुमको डिसाइड करने का है इज रॉयल्टी इनकम बेटर और ए और इज प्रॉफिट बेटर तो हम लोग को नंबर्स निकालने का था ठीक है अच्छा तो यहाँ पर ओवरऑल जो सम है कुछ ऐसा है कि तुम लोगों ने यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए थे जैसे मैंने शायद क्लास के अंदर वो एग्जाम्पल दिया था अभी सैमसंग करके एक कंपनी है वो लोग गुड्स बना के बेच देता है लेकिन उनके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स वगैरह वो जो होते हैं ना दोज आर नॉट ओन्ड बाय सैमसंग ओके दोज आर ओन्ड बाय सम नॉर्मल पीपल ओके हुव टेकन ऑथराइजेशन और हुव टेकन द फ्रेंचाइजी फ्रॉम सैमसंग ओके अभी इन लोग के पास ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मतलब जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं इनके पास जो भी कस्टमर्स आते हैं मेनली देर कमिंग बिकॉज दिस गैस एड पुट द बोर्ड ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स ओके तो इन लोग को जो भी रेवन्यू मिलता है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ पुटिंग द बोर्ड ऑफ द सैमसंग सो पार्ट ऑफ दर इन 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 इनकम शुड भी गोइंग बैक टू सैमसंग एज सच दैट इज नर्लड इनकम ठीक है तो करंटली ये वाला स्ट्रक्चर हो रहा है ठीक है अभी जब ये वाले जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं कस्टमर्स को चार्ज करते हैं जरा सोचो जब भी आप लोग का फोन वगैरह वो खराब होता है तो आप लोग ये सर्विस सेंटर्स के पास जाते हो वो लोग तुमको दो चीजों के हिसाब से चार्ज करेंगे फर्स्ट वो लोग क्या बोलते हैं विल चार्ज यू फॉर पार्ट दीज पार्ट दीज सब कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी परचेजिंग फ्रॉम सैम्स फ्रॉम सैमसंग ओनली ओके वो जेन्यून होंगे दूसरा दे विल चार्ज यू फॉर द फिटिंग चार्जेस फॉर द लेबर पार्ट ओके सो so, इन लोग का जो रेवेन्यू है ना गेट्स बुक टू हेड्स पर्टिकुलर टू हेड्स हेड्स वन वन इज इज एंड लेबर आर द द टू अंडर रेवेन्यू गेट्स बुक जब वो लोग हमको चार्ज करते हैं सपोज मेरे फोन का डिस्प्ले खराब हुआ तो मैं सैमसंग के ऑथराइज सेंटर के ऊपर गया बोलते सर डिस्प्ले बदलने का खर्चा आठ हजार रुपए का है और हम लोग उसको फिट वगैरह करके देगा तो उसका दो हजार रुपए का खर्चा तब जब वो लोग मेरे को बिल वगैरह देगा तो उस बिल के अंदर लिखा होगा दे हैव चार्ज मी एट थाउजेंड रुपीज फॉर द डिस्प्ले एंड दे द लेबर कॉस्ट अभी कंपनी सोच रहा है कि ये वाला जो काम है ये हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर से छीन के खुद ब खुद ही करेगा तो याद रखना जो कस्टमर्स पहले उनके पास आते थे उनके पास मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अभी वो किसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी के पास सो रेवेन्यू ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स विल बिकम रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ठीक है दैट वॉज वन थिंग सेकंड पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस याद रखना कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स विल नॉट बी कॉस्ट

प्राइस स्ट्रक्चर मटेरियल्स वाला बहुत सिंपल था अपने को वहाँ पे कोई डाउट भी नहीं था अगर कंपनी का कॉस्ट वो हंड्रेड है दस रुपया कंपनी चार्ज करता है तो हंड्रेड एंड टेन के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स उसके ऊपर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव का प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करके कस्टमर लोग को वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव वगैरह चार्ज कर देते हैं दिस वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इज द फाइनल प्राइस दैट इज चार्ज टू द कस्टमर ठीक है अभी 137.5 के अंदर से ये जो 137.5 है ना वैसे इट इज कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस इन दिस एंटायर क्वेश्चन इज कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस ठीक है 137.5 के अंदर से ना कंपनी को दस रुपया ही मिलता है तो हम लोगों ने फिर ये वाला फंडा यूज कर लिया जब दस रुपया कंपनी को मिलता था तभी लिस्ट प्राइस 137.5 था और कंपनी ने ऐसा ही कर कर करके कर 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 ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज कमा लिया ये उन लोगों ने जो ब्रेकअप है टाइम पास के लिए तो वो दिया हुआ था। सो यहां पे जो रेवेन्यू है वो कितने रुपीज का होगा ये जो रेवेन्यू आया ना मैंने उसको दो हिस्सों के ना ब्रेकअप कर दिया तो कौन सा दो दो हिस्सा इट वॉज बिग अपलाइंसेज स्मॉल अपलायसेज क्योंकि यहां पे ऑप्शन अपने ठीक है वो दूसरा अभी लेबर के लिए जो प्राइस वाला जो प्राइस स्ट्रक्चर था ना दैट वाज समथिंग बिट कॉम्प्लिकेटेड और वहां पे क्या था फॉर लेबर प्राइस टू द सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क डन अंडर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 90 परसेंट ऑफ लिस्ट प्राइस उसका मतलब क्या है जब भी सपोज कस्टमर जो है सब uh, कॉन्ट्रैक्टर को सौ रुपए देता है तो सौ रुपए के अंदर से नाइन्टी रुपीज सब कॉन्ट्रैक्टर कीप्स विद विद हिम टू मीट इज कॉस्ट एंड टू गेट इज प्रॉफिट ओके और बाकी जो दस रुपए है गोज बैक टू द कंपनी तो कंपनी को सौ रुपए के न से दस रुपया ही मिलता है तो मैंने ये वाला चीज यहां पर कुछ ऐसा कर दिया कंपनी को दस रुपए मिलता है तब लिस्ट प्राइस इज हंड्रेड कंपनी ने ऐसा ही दस दस रुपए करके जो रॉयल्टी इनकम कमाया था वो थर्टी थाउजेंड रुपीज का कमाया था तो उसका यहां पर जो लेबर वाला जो रेवेन्यू है सब कॉन्ट्रैक्टर्स का कितने रुपीज का बुक हुआ रहेगा थ्री लाख रुपीज ठीक है बस नाउ Exactly the same way we all had done for the labor which is not under the एम्स हम लोगों ने यही करके हम लोगों ने revenue निकाल लिया of the subcontractors aur और हम लोगों ने हर एक चीज को यहाँ पे up कर दिया था into 60% big appliances aur jo और जो 40 that was small appliances theek hai bas ठीक है बस यही करने के बाद अपने को to मिल गया तो अभी इसके बाद ना टू वर्ड द एंड सामने ना अपने को तीन ऑप्शन दिए कि स्मॉल अप्लायंसेज वाला काम हम लोग करेंगे बिग अप्लायंसेज वाला अभी भी सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जब मेरे को ये वाला काम करने का था ना कि स्मॉल अप्लाइंसेस वाला काम कंपनी करेगी तो कंपनी फिर यहां से प्रॉफिट या लॉस कमाएगी बेटा ओके जब कंपनी प्रॉफिट या लॉस कमाएगी इन दैट पर्टिकुलर केस तो हम लोग ने सोचा कि ना हम लोगों को स्मॉल अपलायंसेस से रेवेन्यू कितना आएगा तो मैंने पहले वाला डेटा वो यूज किया और रेवेन्यू मेरे को डायरेक्टली वो मिली गया और कॉस्ट यहां पे पूरा का पूरा है लेकिन इस कॉस्ट के अंदर याद रखना वो लोग मटेरियल वाला कॉस्ट नहीं दिया क्योंकि मटेरियल वाला कॉस्ट हम लोग निकाल सकता है याद रखना कि कंपनी का कॉस्ट सौ रुपए का था ऑफ मटीरियल तो हम लोगों ने वो वाला चीज एक यूज किया और इन कॉस्ट के अलावा हम लोगों ने जो कंपनी का मटीरियल बनाने का खर्चा था हम लोगों ने वो भी लिखी लिया तो अपने को यहां से प्रॉफिट मिल गया फ्रॉम द स्मॉल अप्लायंसेज और बिग अप्लायंस से, से अभी भी अपने को को रॉयल्टी रॉयल्टी इनकम इनकम आता रहेगा वो जो था इन दिस पर्टिकुलर केस दैट विल बी 66,000 40 तो ये करने के बाद अपने ऑप्शन से प्रॉफिट आ गया सेम okay, तो यहां पर ना एक एक्स्ट्रा डिस्कशन भी किया कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंचाइजी बिजनेस एंड इन दिस पर्टिकुलर केस अंपनी ओन सेंटर ओके ये वाला चीज शायद इंस्टीट्यूट कभी वो पूछ रहे होमवर्क so exactly के लिए भी रखा था क्वेश्चन नाइन में एक बार बस ये क्वेश्चन का जो है वो समरी पढ़ रहा हूं अ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बट इट्स आफ्टर सेल सर्विस वर्क डन वॉज बींग डन बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर्स ठीक है कंपनी इज थिंकिंग टू डू सम ऑफ द आफ्टर सेल सर्विस वर्क डन इट सेल्फ ओके मतलब वो लोग खुद ब खुद कुछ वो सोच रहे हैं काम करने का खुद ब खुद कंपनी वॉज गेटिंग काइंड ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉ द सब कॉन्ट्रैक्टर्स नाउ विल बी गेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट विल डू द वर्क इट सेल्फ ठीक है आगे डू रिमेंबर वेन सब कॉन्ट्रैक्टिंग विल हैपन कस्टमर्स विल कम टू द कंपनी इंस्टेड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हेन्स देर रेवेन्यू देर रेवेन्यू मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर का रेवेन्यू विल बिकम विल बिकम विल बिकम कंपनीज रेवेन्यू Revenue charged, the revenue is charged, the revenue is charged to the customers, okay, under two heads, that is material and in this case labor, okay. Further, company currently gets rupees 66,000 as royalty income, okay. It services two type of appliances, small appliances, big appliances. Small appliances, 40% the big appliances, 60% are Materials must be purchased by the subcontractors. बाई द सब कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम द कंपनी होनी सी द प्राइस स्ट्रक्चर कंपनी गेट्स रुपीज टेन आउट ऑफ वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मैंने तुम लोग को अभी भी एक्सप्लेन किया ठीक है फॉर लेबर अंडर द एम सी आउट ऑफ हंड्रेड रुपीज दैट सब कॉन्ट्रैक्टर गेट्स नाइन्टी रिमेन्स विद कॉन्ट्रेक्टर होनी एंड टेन गोज बैक टू द कंपनी ओके सेम वे नॉट अंडर द ए एम सी ओके ये वाला जो पार्ट है एटी फाइव परसेंट विल रिमेन विद एंड रुपीज विल गो बैक टू द कंपनी एज सच ठीक है वी वर्क थ्री ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट सर्विस ओनली स्मॉल अपलायसेज बड़ा वाला जो अपलायसेस है अभी भी सब कॉन्ट्रैक्ट ही होगा सेकेंड वाला जो है हम लोग बिग अपलायसेज का काम करेगा स्मॉल अप्लायसेज अभी भी सब कॉन्ट्रैक्ट ही होगा और जो थर्ड वाला था लेट्स डू ऑल द वर्क सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम लोग बंद कर देगा एंड अकॉर्डिंगली तो हम लोगों ने तीन आंसर वो निकाल लिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज एक्जैक्टली सेम एज इसलिए मैंने उसको वन स्टार क्वेश्चन ही माना हुआ है ठीक है अभी दिस क्वेश्चन आई कॉल एज अ थ्री स्टार क्वेश्चन इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 66 भी था आई स्टिल कॉल दैट एज अ थ्री स्टार क्वेश्चन ऑल अंदर न्यू कोर्स के अंदर एक बार वो पूछ चुके हैं ठीक है अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी के अंदर क्या हुआ था मैंने तुम लोग को क्या बताने का ट्राई किया था वो मेरा ही क्वेश्चन था सो इट वॉज अ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन के ना मैंने तुम लोग को एक ही चीज वो बोला वो डैड मॉम वाला तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया था ठीक है अगर तुम लोग कुछ खर्चा करते हो ठीक है अगर सपोज मैंने यहां पे कुछ खर्चा किया लेकिन वो खर्चा करने की वजह से मेरे को कुछ इनडायरेक्ट इनकम हो गया या फिर मेरे कोई फैमिली मेंबर को या फिर मेरी कोई ग्रुप कंपनी को कुछ ना कुछ इनकम वगैरह वो हो गया तो उतने से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा बस यही वाला एक फंडा मैंने तुम्हारे दिमाग के ना घुसाने का ट्राई किया था इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जब मैंने तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैं तुमको यहाँ पे चार ऑप्शन भी करवाए थे कि डैड एंड मॉम बोथ year, बोथ विल विल हैव हैव आइडियल कैपेसिटी दिस ईयर नॉट अप एंड याद रखना अगर डैड के पास स्पेयर कैपेसिटी है ठीक है मैंने पापा को कुछ ना कुछ वो ऑर्डर दिया उसके अंदर पापा ने कुछ ना कुछ पैसा कमाया जो पैसा डैडी कमाएगा मैं ही उड़ाएगा यार एक दिन ठीक है तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा बट दिस विल ओनली हैपन इफ डैड के पास स्पेयर कैपेसिटी है

कंपनी बी को बोला थर्टी फाइव कंपनी बी से पूछा कंपनी बी बोलता है हम लोग यही वाला यूनिट तुमको थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज के अंदर देगा ठीक है लेकिन थर्टी फाइव थाउजेंडो है कंपनी बी अपने रिश्ते में नहीं आती बीज आर फोर कंपनीज इन अ ग्रुप कंपनी ए और भी अपने रिश्ते के अंदर नहीं है लेकिन जब कंपनी थर्टी फाइव थाउजेंड में अपने को यहां पे प्रोडक्ट वो बेचेगा ना तो बीच में कुछ ना कुछ पार्ट वो लोग आर एस से कमाएगा विच इज अ ग्रुप कंपनी सेम वे आर एस बीच में कुछ ना, कुछ ना कुछ आर आर से कमा लेगा सॉरी आर आर से हाँ तो वो कमा लेगा बिच इज अगेन अ ग्रुप कंपनी तो याद रखना अल्टीमेटली एज अ ग्रुप नो मेरा कॉस्ट गिर जाता है क्यों क्योंकि पहले मैं थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का मैं खर्चा करूंगा लेकिन उसके बाद मैं या मेरा कोई ना कोई ग्रुप कंपनी विल बी अर्निंग समथिंग सो दे फोर आई एम इंकरिंग कॉस्ट फर्स्ट बट आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न सो माई नेट कॉस्ट विल बी फॉलिंग नो तो हम लोगों ने क्या किया थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का पहले हम लोगों ने कॉस्ट लिखा और उसके मैंने लेस कर दिया वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आर एस

आर आर से और आर टी से तो ये दोनों लोग भी तो कमाएंगे तो हम लोगों ने इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन लेस किया और उसके बाद आर टी जो है आर आर से खरीदेगा तो हम लोग आर आर भी जो कमाया हम लोग वो भी लेस करेगा ठीक है तो हम लोगों ने यहां पे चार कॉन्ट्रीब्यूशन लेस करके फिर फाइनल आंसर निकाला था ठीक है लेकिन तुम्हारा यहां पर ना एक अलग से एक स्पेशल एडजस्टमेंट आया था और वो क्या था इज एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क आउटसाइड द ग्रुप एन एस गॉट एन मार्केट प्राइस क्वेश्चन क्वेश्चन के के अंदर था जब इस के अंदर आया तब मैंने तुम लोगों को क्या बोला आर आर के पास कुछ भी आइडल कैपेसिटी नहीं है अगर वो हमारे लिए मतलब इस ऑर्डर के लिए वो बनाएगा तो वो मार्केट से लूज करेगा तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी कमाने नहीं वाले तो पार्ट वन के अंदर ना आर आर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं था तो हम लोगों ने उसका हर एक जगह पे कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिया था जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था ठीक है लेकिन पार्ट टू के अंदर अगेन द थिंग्स चेंज आर आर के पास आइडल कैपेसिटी है तो फिर हम लोगों ने यहां पर जो है वो आर आर का जो आइडल कैपेसिटी है हम लोगों ने अगर आर आर के पास आइडियल कैपैसिटी तो वो कुछ ना कुछ कमाएगा सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी दैट ठीक है उसके बाद ना यहां पर बस एक ही और चीज था दे इज नथिंग मच टू बी सीन इन द क्वेश्चन आई रीड द समरी ऑल्सो बस एक और पॉइंट जो यहां पर था यहां पर ना जब हम लोगों ने ये वाला चीज इवेल्युएट किया था ना ये वाला जो चीज वो इवेल्युएट किया था कंपनी बी वाला कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो यहां पर एक एडजस्टमेंट था फॉर द कंपनी बी कॉन्ट्रैक्ट आर एस अ प्रॉफिट ऑफ एक्सपेक्टिटी फाइव ओन वर्क ओके हम लोगों ने इसके साथ एक इंप्लाइड इम्प्लाइडन भी मार लिया था कि जो आर एस है ना सिर्फ ओन कॉस्ट के ऊपर ही ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट वो कमाता है मतलब बाकी चीजों के ऊपर वो प्रॉफिट नहीं कमाता है वो अजम्पन था या इंप्लाइड एजम्पन था वो आपके ऊपर है ठीक है अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से पार्ट थ्री के अंदर तुमको कुछ ना कुछ यहाँ पे एजम्पन्स वगैरह भी लिखवाए होंगे कि

ये वाला जो चीज था तुम्हारा वो हो गया था ये नवंबर 2020 के अंदर शायद ये वाला कुछ नहीं पूछा था यहाँ पे तुम्हारे जो वर्कर लोग हैं ना तुमको धमकी दिया हम लोग स्ट्राइक के ऊपर जाएगा तो मैनेजमेंट ने उन लोगों को बोला भाई स्ट्राइक पे नहीं जाओगे तो तुम्हारी डिमांड्स क्या है वो लोग बोलते हैं हम लोग साल के बीच में है वी वॉन्ट एट का वेज वेज इंक्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर मतलब बैक डेटेड इंक्रीज ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये एक ऑप्शन है कि उनकी बात मान जाओ उनकी बात अगर मान जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह वो नहीं होगा ओके तो हम लोगों ने फिर वहां पे प्रॉफिट वगैरह वो निकाल दिया ये एक ऑप्शन था लेकिन मैनेजमेंट को एक और ऑप्शन भी लगा स्ट्राइक पे जाने दो कितनी देर तक स्ट्राइक पे रहेंगे तो वो साल के ना कुछ 50 वीक्स का डेटा दिया है वो लोग चार हफ्ते स्ट्राइक पे रहेंगे ठीक है चार हफ्ते स्ट्राइक पे रहेंगे उसके बाद वो लोग थक जाएंगे एंड फिर मैनेजमेंट उनके पास जाएगा बोलो भाई तुम्हारा डिमांड क्या है तो वो लोग बोलेंगे हमको एट चाहिए तो मैनेजमेंट को लगता है नहीं एक बार स्ट्राइक होएगा ना वो लोग छः के ऊपर मानी जाएंगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है वर्कर लोगों को स्ट्राइक के ऊपर वो जाने दो तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल का कितना होगा दूसरा उन लोगों को बोलो कि भाई स्ट्राइक के ऊपर जो है वो मत जाओ ओके वी विल एग्री टू योर डिमांड सो अपने को यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालना था अंडर बोथ द केसेस इसके वजह से स्ट्राइक के ऊपर मत जाओ ना दैट वाज वेरी सिंपल ठीक है अगर स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगे तो पूरे साल के अंदर जो भी होने वाला था वो वाला काम वो होएगा सेल्स तुम्हारा थर्टी यूनिट्स का जो होने वाला था वो होएगा एट सेलिंग प्राइस ऑफ टू थाउजेंड रुपीज ओके फिर उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे कॉस्ट वगैरह जो है वो लग जाएंगे उसके ना कोई दिक्कत नहीं थी जब लेबर कॉस्ट के बारे में बात आएगा प्लीज एट परसेंट का उनको इंक्रीज वो देना क्योंकि वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा रहे तो तुम लोग उनको एट परसेंट का इंक्रीज दे रहे हो दैट वॉज वन थिंग बस यहां पे एक पॉइंट जो और था ना दैट वॉज मेंटेनेंस वाला पॉइंट अगर मेरे वर्कर लोग जो हैं स्ट्राइक पे नहीं जा रहे ना तो मेरा जो मेनटेनेंस टीम है वो भी बहुत बिजी रहेगा ओके बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वर्कर्स तो हम लोग को ना कुछ ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन्स वगैरह वो करवाना होता है फिर हम लोग वो वाला काम जो है ना बाहर वालों से करवा लेगा तो अपना तभी डेढ़ लाख रुपए का खर्चा आएगा वो यहां पे उन लोगों ने लिखा हुआ था ठीक दूसरा ऑप्शन है वर्कर लोगों को बोलो भाई स्ट्राइक के ऊपर जाओ वर्कर लोग को जब भी बोलेंगे हम लोग स्ट्राइक के ऊपर जाओ तो इन दैट पर्टिकुलर केस ना सम के अंदर काफी पंगे हैं उसके अंदर एक पंगा क्या है चार वीक्स के अंदर चार वीक तक स्ट्राइक वगैरह तो वो चलेगा चार वीक के अंदर जो भी गुड्स बनाने वाले थे ना एक तो वो ओवर टाइम के अंदर बनाएंगे यहां पे कुछ ना कुछ तुम्हारा मेरा तो वो झगड़ा भी हुआ था मेरे ख्याल से तो क्योंकि यहां पे आईसी का वर्ड्स व नॉट वेरी क्लियर मैंने वो चीजें तुम लोग को अजम्पन के तौर पर तो वो लिखवाई हुई हैं इन अ प्रॉपर वे ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर आईसीए ने शायद ऐसा ज्यूम कर लिया था अगर वो लोग स्ट्राइक के ऊपर भी जाएंगे ना सपोज दस से 6 वो लोग स्ट्राइक करेंगे और 6 बजे के बाद वो लोग कंपनी के अंदर आएंगे ओवर uh, टाइम करेंगे और जो गुड्स नहीं बना पाए वो वाले गुड्स वो बना देंगे ठीक है तो ये ओवर टाइम के ऊपर भी उन लोगों को 6 परसेंट का इंक्रीज वगैरह आप लोगों ने दिया प्लस इन लोगों का जो एफिशिएंसी है वो भी 80 परसेंट ही होएगा जो बुरा है 100 परसेंट से कम होएगा तो बुरा ही होता है तो लेबर कॉस्ट अल्टीमेटली मेरा बढ़ जाएगा और ओवर टाइम के ना हम लोग उनको जो रेट भी देंगे ना दैट भी वन एंड हाफ टाइम्स नॉर्मल ठीक है तो ये एक थोड़ा सा वो डिस्प्यूटेड पॉइंट था बिकॉज मतलब इट्स इट वॉज नॉट वेरी क्लियर कि ये जो ओवर टाइम है ना ये वाला काम जो है ये लोग कौन करेंगे क्या वो यही वर्कर वाले वर्कर लोग होंगे या फिर ये लोग कोई बाहर वाले वर्कर लोग होंगे ओके या फिर हमारे कोई और डिपार्टमेंट के लोग होंगे तो इट वॉज नॉट वेरी क्लियर तो अकॉर्डिंगली इन दिस पर्टिकुलर केस लाइक यू नो हम लोगों ने यहां पे कुछ ना कुछ assumption मार के आईसीए का आंसर जस्टिफाई करने का ट्राई किया ठीक है एक और चीज हम हम लोगों ने जब ये वाला ऑप्शन स्टार्ट किया था ना कि वर्कर लोग को स्ट्राइक के ऊपर वो जाने दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनेंगे हम लोगों ने पहले यहां पे चार हफ्ते के अंदर कितने यूनिट्स बनने वाले थे वो निकाले और फिर ये वाला लाइन हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया कि फाइव यूनिट्स विल बी लॉस टू द कॉम्पिटिटर्स देखो यहाँ पे किधर ना किधर कुछ ऐसा था सेल्स ऑफ फाइव तो सीलिंग फैंस विल बी लॉस टू द तो वहां पे थर्टी थाउजेंड वो बनते थे यहां पे ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड बनेंगे, उसका ब्रेकअप है और ये जो नाइनटीन हंड्रेड यूनिट जो चार हफ्ते के अंदर जो बनने वाले थे ना मतलब कुछ ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड का दो पार्ट था बेटा एक नाइनटीन हंड्रेड यूनिट्स और एक कुछ और ठीक है तो ये जो नाइनटी ये जो अपना नाइनटीन हंड्रेड यूनिट्स जो बनने वाले थे ना इन दैट पर्टिकुलर केस दोज विल बी सोल्ड एट सो डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट इसके बारे में भी अपना कुछ ना कुछ तो वो झगड़ा हुआ था एंड अल्टीमेटली वी ऑल गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड रोट डाउन दी अजम्पन टू जस्टिफाई द आंसर ऑफ द इंस्टीट्यूट ओके और यहाँ पर भी फिर हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल दिया था बस यहाँ पर एक मेनटेनेंस वाला जो एडजस्टमेंट था ना वो अच्छा था और वो कैसा था इन दिस केस अगर सपोज वर्कर लोग यहां पे स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे तो तो मेरा जो मेंटेनेंस टीम है ना थोड़ा बहुत फ्री हो जाएगा तो फ्री हो जाएगा मैं उन्हीं लोगों से मेंटेनेंस का काम वो करवा लूंगा बस अगर मेंटेनेंस का काम वो वो लोग करेंगे तो उनको सिर्फ मटेरियल का पचास हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा ठीक है तो डेढ़ लाख के बदले में अगर सपोज स्ट्राइक हो गई सिर्फ पचास हजार रुपए का ही खर्चा होगा अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहां पे प्रॉफिट वगैरह को निकाल दिया था बस दीज वर आर टू थिंग्स वन दीज पर्टिकुलर थ्रू टू थिंग्स वर ओवर पार्ट वन हो गया पार्ट टू हो गया और जो तुम्हारा पार्ट थ्री था वाज वेरी

जो तुम्हारे यहाँ पे शॉर्ट्स के अंदर है इट इज नवंबर 2020 प्रॉब्लम कंपनी इज फेसिंग अप्रॉन टू अलाउ द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक और नॉट उसके बाद इन दिस केस वर्कर्स आर डिमांडिंग एट परसेंट इंक्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू नॉट गो ऑन स्ट्राइक कंपनी थिंक्स दैट इफ वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक दे विल सेटल फॉर सिक्स का इंक्रीज दैट इज बैकडेटेड